Assalamu alaikum, my name is Mudassir Bhatt and from Muttoons Comics and Cartoons. और आज जो है मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज लाइटिंग लाइट और व्हाट इज शेडोज, शेडोज जो हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं लाइट्स में एंड द टाइप ऑफ लाइटिंग जो आप करते हैं. जैसे कि देर आर मोस्टली टू टाइप्स ऑफ लाइटिंग, indoor lighting and the second one is outdoor lighting. So हमने जो है पिछली जो क्लास थी उसमें हमने five basic shapes of the universe study की थी. five basic shapes जो हैं वो होती हैं line, स्क्वायर, सर्कल एंड आर्क एंड ट्राइंगल. वन टू थ्री फोर फाइव. अच्छा, अब इसमें से ही हम जो है एक बेसिक शेप ले लेते हैं. विल टेक द सर्कल एंड विल ड्रॉ एन एलिप्स. बजाय इसके कि हम सर्कल बनाएं, विल ड्रॉ एन एलिप्स. मैं अपने हैंड को वार्म अप कर रहा हूँ कि हम सर्कल बनाने में जो है हमें एलिप्स बनाने में ज़रा आसानी है. और ये जो है हमने एक एलिप्स बनाई. ठीक है, नाउ दिस इज़ एन टिपिकल एलिप्स. आप इसको अंडा भी कह सकते हैं कि ये एक अंडा बना हुआ है. और अंडा जो है नॉर्मली किसी एक फ्लोर नुमा सरफेस पे या एक स्मूथ फ्लैट सरफेस पे पड़ा हुआ है. लेट्स से कि ये किसी एक टेबल पे पड़ा हुआ है. सो अगर लाइट जो है वो आपकी इधर से फॉल कर रही है, मसलन कि आपने यहाँ पे एक छोटा सा जो है लेट से एक लाइट सोर्स रखा हुआ है. इट कैन बी समथिंग लाइक लैम्प. ठीक है, इसमें से जो है लाइट सोर्स निकल रही है. ठीक है, और ये जो लैम्प है टेबल लैम्प हो सकता है. टेबल लैम्प जो है वो बेसिकली इस लाइट सोर्स को इमिट कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ योर लाइक टेबल लैम्प. इट्स ऑन द फ्लोर. ठीक है, अच्छा, अब लाइट सोर्स जहाँ पे पड़ती है, और एग इज़ बेसिकली एग जो होता है अंडा, वो जो है बड़ा स्मूथ होता है. तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो है इस जगह पे हाईलाइट सी एक पड़ रही है, मतलब एक बहुत ब्राइट सी एक शाइन बन रही है. और ये जो है उसका पोर्शन है जो सबसे वेल लिट है. इसके बाद जो है बकिया इलाका जो है वो शेडो में, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा शेडो है. और ये एक एज सी है जो कि इसकी कर्वेचर के साथ चल रही है और शेडोज़ जो हैं वो कुछ इस तरह बन रही हैं. तो अगर आप इसको शेड करना शुरू करेंगे तो ये जो है शेडो ऐसे बनेगी. नोटिस कीजिए कि फ्लोर पे भी शेडो बन रही होगी. तो फ्लोर पे अगर शेडो बन रही होगी तो वो कुछ इस अंदाज़ में बन रही होगी. सो हमेशा लाइट सोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है शेडो बनती है. और शेडो जो है वो आपकी कुछ ऐसे बन रही होगी ऑन द सरफेस ऑफ द एग. क्योंकि ये स्मूथ राउंड सरफेस है तो इस पे जो है आपकी शेडो कुछ इस तरीके से बन रही होगी कि आपका ये वाला हिस्सा जो है ऑब्जेक्ट का ये शेडो में होगा इस साइड का, राइट साइड का. और ये वाला जो हिस्सा है ये शेडो में नहीं होगा. इसी तरह एक नीचे वाला हिस्सा है जो आपका इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर भी आ रही है. तो ये वाला हिस्सा जो है ये सारा शेडो में होगा लाइक दिस. और अगर हम इसको ज़रा मोटे मार्कर से लेके आए तो हम इसको ज़रा वेल डिफाइंड शेडो एरिया बना सकते हैं लाइक सो. सो ये जो एरिया है ये आपका डार्क एरिया है शेडो का.
इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे भी जो है ये हिस्सा जो है ये डार्क होगा शेडो से भरा हुआ, और यहाँ यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो है शेडो की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इससे आपको जो है अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी जो शेप्स हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं उन पर शेडो कैसे बनती है। ये वाला हिस्सा जो नीचे का है जो इस जगह का है, इधर जो है लाइटिंग पड़ रही है लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये जो है कम शेडोज़ में है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह क्रॉस हैचेस देके या लाइट लाइट हैचेस देके आप दिखा दें कि इधर शेडो पड़ रही है कुछ एरिया में और लाइट जो है कम पड़ रही है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कम्प्लीटली लिट है, मतलब इट्स कम्प्लीटली लिट। सो दिस गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ एन एग विच इज़ ऑन अ सरफेस टेबल, जो कि एक टेबल पे पड़ा हुआ है और उस पर जो है एक लाइट सोर्स अफेक्ट कर रही है। तो ये हो गई आपकी शेडोज़। और अगर आपकी जो शेडो है वो लाइट सोर्स जो है वो ज़रा दूर पड़ा हुआ है, तो डिस्टेंस जैसे जैसे आपका लाइट सोर्स का आपके मेन ऑब्जेक्ट से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है शेडो का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और उसकी जो है ओवरऑल इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शेडो जो है वो स्प्रेड भी कर सकती है और वो एक स्मॉल सा इम्प्रेशन दे सकती है, स्मूद बफ सा। तो अगर आपका बफ्ड शेडो का है आइडिया कि आपका बफ हुई हुई शेडो है, तो आप इस तरह की स्ट्रोक्स दे के क्रॉस हैचिंग या सर्कुलर आर्क शेप्ड हैचिंग करके आप उसकी जो है स्मूथनेस भी दिखा सकते हैं कि शेडो जो है वो एजेस पे जाके स्मूथ भी हो रही है। सो ये जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है शेडोज़ का, लाइट सोर्स का। अब अगर लाइट सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन से भी आ रही हो और पीछे से भी आ रही हो तो उसको कहते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग, एंड आई विल शो यू व्हाट थ्री पॉइंट लाइटिंग इज़ इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। Thank you very much. Allah Hafiz. Cut. Assalamu alaikum. My name is Mudassir, or today we'll be discussing three-point lights or three-point lighting. Lighting, three-point lighting में ये होता है कि आपकी जो हैं एक से ज़्यादा light sources होती हैं। Normally ये indoor lighting में भी use होता है लेकिन आप इसको outdoor lighting के अंदर भी use कर सकते हैं। For example, इसमें हमने जो है एक सिरेमिक जो होता है गमला, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। विल टेक अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ लुक इनटू के एक पॉट है बाहर जो आपके लॉन के अंदर होता है, उसके ऊपर जो है शेडो कास्टिंग थ्री पॉइंट लाइटिंग में कैसे पड़ती है। ठीक है, सो ये आपका गमला है, अभी मैं इसको बड़ा रफली और लूसली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें जो है आपके मसलन इतने से हिस्से में ये डर्ट पड़ी हुई है, और लेट्स क्विकली कलर इन द डर्ट विद ब्लैक। सो अब आउटडोर लाइटिंग नॉर्मली अगर सूरज हमारा यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, और ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, मतलब आई एम नॉट शोइंग इट इन द वे के ये इतना करीब है, रियल लाइफ में तो मतलब सूरज बहुत दूर होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो है सनलाइट आ रही है और यहाँ पे लेट्स से कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस पड़ी हुई है, लेट्स से यहाँ पे कोई आपने कोई स्क्रीन लगाई हुई है और उधर से जो है रिफ्लेक्शन जो है वो आ रही है बैक टूवर्ड्स द पॉट, वो यहाँ से हिट हो रही है और यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है दिस इज़ एक्चुअली इमिटिंग लाइट, सो दिस इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो है कुछ इस तरह लाइट सोर्स इमिट कर रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि सूरज की लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होती है ऐसे
and it is bouncing off. So this is a second point lighting phenomena. इसमें आपकी जो है सेकेंड पोजिशन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और मे बी शायद एक लाइट सोर्स है जो आपकी यहाँ पे है या मे बी यहाँ पे है. मसलन के लट से कि आपका जो है कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक और पॉट है लट से, उससे भी जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो लट से कि मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा जो है ना एक प्लास्टिक का वो बना देता हूँ, प्लास्टिक का गमला, जो मसलन नॉर्मली लोग बोतलें काट के प्लास्टिक का एक गमला बना लेते हैं, तो वो उधर पड़ा हुआ है, या शीशे का एक गमला पड़ा हुआ है और उसमें से लाइक कोई प्लांट्स वगैरह निकल रहे हैं और ये उसका जो है सॉइल बेड है, ठीक है, एंड इट्स ऑल शेडेड. सो इट्स गोइंग टू बी शेडेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइट जो है वो इस तरफ पड़ रही है, तो ये जो है कम्प्लीटली इस तरफ से शेडेड है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इस तरह शेडेड हुआ हुआ है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग मैंने मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन मैं अपने अगले आने वाले एक दो वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ क्रॉस हैचिंग और किस तरह आप क्रॉस हैचिंग को अच्छी तरह कर सकते हैं और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. हम नॉर्मली जब क्रॉस हैचिंग कर रहे होते हैं, वी ट्राई टू यूज़ ब्रशेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस. अब इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और ब्रश लेता हूँ और सेट्स ऑफ ब्रशेस, इसमें ग्रेज हैं और अदर कलर्स हैं. ये मेरा एक ग्रेज का ब्रश सेट है, दिस इज़ बेंडेबल ब्रशेस हैं, इससे हम लोग थोड़ी सी इसकी ग्रेज निकालने की कोशिश करते हैं. ऑलवेज सो इस तरह जो है ये इसकी डिटेल्स हैं इस ग्लास शेप ऑब्जेक्ट की. अब अगेन इसको यहाँ से थोड़ी सी शाइन आ रही है, इस स्क्रीन की भी आ रही है, तो हमने जो है इसकी थोड़ी सी डिफाइन करनी है आउटलाइन फर्दर. एक छोटी सी लाइन स्ट्रीक जो है छोड़नी है जो कि इसकी नीचे से शीन दिखा रही होगी. अगेन ये यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, तो इसकी जो है तकरीबन शेडो कास्ट हो रही है, और चूंकि ये दूर से आया हुआ है, डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी शेडो जो है वो थोड़ी सी स्मूथ बफ्ड हुई हुई शेडो है, तो यहाँ पे जो है इस जगह तक इसकी शेडो बहुत स्ट्रांग है. सो ग्रेडेशंस जो हैं या ग्रेडियंट्स जिनको आप कहते हैं, ग्रेडेशंस के अंदर जब आप शेडिंग करते हैं पेन से, तो वो कुछ इस तरह निकलती है कि आगे जाके जो है वो थोड़ी सी बफ हो रही है, इधर तक आते आते जो है उसकी जो शेडो है उसमें क्रॉस हैचिंग की हुई है, और उसके बाद जो है सर्कुलर हैचिंग्स या डॉट्स लगा के आप जो है शेडोज़ को वेल इन्हांस कर सकते हैं. इस तरह जो है आप थोड़ी सी पॉलिश्ड हुई हुई शेडो लाते हैं. लेकिन अब हमारा मेन सब्जेक्ट एट हैंड है कि इस गमले पे जो है शेडोज़ कैसे आ रही होंगी. तो शेडोज़ जो हैं, सबसे पहले तो जो है जो हमारी डार्क शेडोज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रही होंगी. इस जगह पे हमारी डार्क शेडो आ रही है, और हमने एक छोटा सा पोर्शन जो है लीव कर दी है, क्योंकि जो है इधर से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इसको शाइन भी कर रही है, तो इसलिए इतना सा पोर्शन जो है हमारा वो लिट है, और बकिया हिस्सा ये वाला सारा जो है दिस इज़ ऑल इन शेडो. ठीक है, सो दिस इज़ शेडेड.
ऑल इन ब्लैक, सॉरी थोड़ा सा टेबल हिल रहा है हमारा, सो ये हिस्सा सारा जो है ब्लैक में है। इसी तरह इसके ऑपोजिट साइड पे शेडो पड़ी है, ये जो जगह है ये एरिया ये भी शेडो में होगा। सो ये जो है ये कोई इस तरह का सर्कुलर एरिया जो है ये शेडो में होगा, ठीक है। सो ये एरिया भी शेडो में है। इसके बाद जो है बकिया एरियाज जो हैं वो स्मूथ होंगे। अब इसमें हमने ये भी चीज़ नोटिस करनी है कि इधर से जो है शाइन आ रही है, सो वी कैन लाइक हैव स्मॉल लिटिल हैशिंग ओवर हेयर टू एक्चुअली गिव द इम्पैक्ट ऑफ अ बफ्ड और अ ब्रश्ड शेडो। और यहाँ पे हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से ज़रा रिफ्लेक्शन या यहाँ से जो है जो लाइट है वो शाइन ज़्यादा कर रही है इस बॉटम एरिया से, क्योंकि यहाँ पे शेडो आ रही है, ठीक है। उसके साथ जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव शेडो आ रही है इस ऑब्जेक्ट की, जो इस जगह पे आ रही है या इस जगह से आ रही है, तो यहाँ पे जो है इसकी रिफ्लेक्टिव शेडो रिफ्लेक्टिव एक शाइन आ रही है, तो यहाँ से ये एक रिफ्लेक्शन सी वो इधर से जो है शेडो बन रही है और यहाँ से जो है इसकी लाइट सोर्स आ रही है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा लिट हुआ हुआ है। इसी तरह फिर जो है आपकी ये जो ऑब्जेक्ट की शेप है ये ऊपर गमले के का एक आउटग्रोथ है या बेवलिंग है, ये भी जो है ये भी शेडो में आ रही है और तकरीबन कुछ इतने से एरिया का हिस्सा जो है ये सारा शेडोज़ में है। आप जो है मुख्तलिफ़ स्ट्रोक्स हैशेस जो हैं उनको यूज़ करके ये शेडो दिखा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी हैश लाइन है इसलिए मेरी रिस्ट इतनी ज़्यादा हिल नहीं रही। और अगेन ये जो है थोड़ा सा लिट एरिया है, थोड़ा सा शेडो में है, तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा सा शाइन और शेडो में दे सकते हैं। ये सारा एरिया भी जो है ये सारा लाइट और शेडो के अंदर मिक्स्ड है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा वेल डिफाइंड शेड दे सकते हैं। यहाँ पे आप फर्दर लाइंस बना सकते हैं जो कि एक ग्रेडियंट का इम्प्रेशन दें कि आप लाइट में से शेडो में जा रहे हैं। इसी तरह जब आप इस एरिया पे आते हैं तो ये एरिया मुकम्मल तौर पे ब्राइट है, तो इसके लिए आप बड़े बड़े स्पेसेस में हैशेस कर सकते हैं और जैसे जैसे वो दूर होते जाएं वो बड़े होते जाएं। इसी तरह आप यहाँ पे भी जो है ग्रेज यूज़ करके ग्रे टोन्स आप कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये वाला मार्कर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ब्रश लेके पेंट ब्रश लेके उसमें से आप क्या कहते हैं पानी मिला के उसको यूज़ कर लें। सुन ये एक और मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिसकी ज़रा थोड़ी सी ग्रेज की ग्रेडियंट्स डार्क है, वो आपकी ग्रेडिएशंस ले आता है, मसलन आपके ग्रेज को फर्दर इन्हांस कर देता है और फिर आपकी ड्राइंग जो है इट लुक्स मोर इन शेडोज इन एंड इन लाइट, ठीक है जी। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ योर पॉटेड प्लांट। अब मैं एक और ग्रेडियंट का इम्प्रेशन डालता हूँ अपने एक ब्रश पेन से, ये ब्लैक ब्रश पेन है। इस ब्लैक ब्रश पेन से ये होता है कि आप जो है एक ब्रशी सी एज बना देते हैं। ब्रशी सी एज का ये फ़ायदा होता है कि जैसे हमने ये वाली एजेस या ये वाली एजेस बनाई हैं ये इस ब्रश से बड़ी आसानी से बन जाती हैं।
सो अब जो है आपका गमला जो है वो ऐसे लग रहा है कि वो एक्चुअली एक लिटेड सी एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, और उसका एक हिस्सा जो है वो शेडोज़ में है, एक हिस्सा जो है वो ग्रेडियंट लाइट बना रहा है, मसलन के ब्लैक से डायरेक्टली ग्रे में जा रहा है। और दीज आर सम सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप शेडो को डिफाइन करने के लिए बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑफकोर्स इसके अंदर एक और चीज़ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस गमले के भी नीचे से कुछ इस तरह की शेडो बन रही है, और अगेन इसके हम लोग डिफरेंट पोर्शंस बना सकते हैं। मसलन कि ये हिस्सा है जो कि कम्प्लीटली सेमी कम्प्लीटली डार्क है, और ये हिस्सा जो है उसके बाद जो है ग्रेडियंट में है जो कि ब्रश सा एक इफ़ेक्ट देता है, जो कि आप हैशिंग से क्रिएट कर सकते हैं। मशीन का एक ध्यान रखना चाहिए कि हैशिंग एक ही डायरेक्शन में हो, बजाय इसके कि आप मल्टीपल डायरेक्शन से हैशिंग कर रहे हैं। सो ये आपकी हैशिंग हो गई, और इस जगह पे आपकी जो है सर्कुलर या एलिप्टिकल फैशन में आपकी हैशिंग हुई है। अब ये कि इस जगह की हैशिंग और दूसरी पोर्शन की हैशिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप इसको क्रॉस हैच कर दें इस तरह, ताकि आपकी जो है शेडोज़ और वेल डिफाइंड लगें। तो ये आपका गमले का की शेडोज़ का हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़। कट। अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर भट्ट हियर अगेन। और आज जो है मैं आपको थोड़ा सा हैशिंग और क्रॉस हैशिंग के बारे में बताता हूँ। उससे पहले ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दें, लेट मी जस्ट सेट अप माई इंक्स एंड माई पेन्स, क्योंकि टुडे आई विल बी यूजिंग सम ब्रशेस, दीज ब्रशेस फॉर सम हैशिंग टिप्स एंड टेक्निक्स एंड सम क्रॉस हैशिंग। ये ज़रा ब्रशेस आप देख रहे हैं थोड़े से रफ़ हुए हुए हैं, तो लेट मी जस्ट स्मूदन देम अप एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर ट्यूटोरियल। सॉरी अबाउट द ऑडियो, थोड़ी सी मेरे ख्याल से ऑडियो के अंदर डिस्टॉर्शन आ रहा था। तो ये जो है मैं इंकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। दीज आर दी ब्रशेस दैट आई यूज़ एंड दिस इज़ दी इंक्स दैट आई यूज़। दिस इज़ इंडियन इंक, इट्स यूज़ नॉर्मली फॉर कैलीग्राफी एंड इंकिंग। और इस इंक के अलावा आई ऑल्सो यूज़ पेलिकन। ये पेलिकन की एक इंक है, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन आर्ट सप्लाई स्टोर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंक्स अवेलेबल आ गई हैं अब मार्केट में, लेकिन आई गो विद दीज इंक्स, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उस वक्त यही दो इंक्स होती थी, दे वर वेरी यूजफुल। देर आर नाउ चाइनीज इंक्स ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन यूज़ दोज। एक्सपेरिमेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्स सो दैट वंस यू आर कम्फर्टेबल विद अ ब्रांड, आप वो वाला ब्रांड यूज़ करना शुरू कर दें। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंकिंग। सो
सो इंकिंग के लिए एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वही टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर के एक्चुअली जो होते हैं राउंड्स, में इस तरह गोले बना लेता हूँ, और ये जो है ब्रश को डैब करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब आप ब्रशेस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो ब्रशेस हैं वो इंक बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें, और जब ज़्यादा इंक एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे जो है प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो है मैं इनको डैब करता रहता हूँ ऐसे। और इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव लाइक पेपर कप्स। एक पेपर कप के अंदर जो है आप थोड़ा सा पानी डाल लें, पानी इसलिए ताकि आपके ब्रशेज़ जो हैं थोड़े से वेट और मॉइस्ट रहें, और आपकी जो इंक है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना पड़े जब आप उनको क्लीन करें। तो इट्स ऑलवेज़ यूज़फुल टू हैव क्लीन ब्रशेज़ रादर देन डर्टी ब्रशेज़। पानी आप बार बार उसका चेंज करते रहें, और मैं इनको थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगा ब्रशेज़ को, ताकि जो हैं ये जो पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद जो है मैं इंक ड्रॉप करता हूँ, पहले इंडियन इंक जो है मेरे पास पड़ी हुई, एंड लेट्स सी, क्योंकि आई हैवेंट यूज्ड इंडियन इंक दिस इंक इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स सी कि हाउ इट कम्स आउट। ये ना हो कि ख़राब हो गई हो, और आई थिंक इट्स ओके। सो थोड़ी सी वो हो गई है, मतलब पानी इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया, तो इट्स गॉटन अ बिट थिक। सो लेट्स ट्राई आउट दिस इंक, एंड ऑलवेज अगेन आपको नज़र आ रहा है कि टिश्यू पेपर अपने पास रखना जो इज़ वेरी यूज़फुल। सो वील जस्ट एड अ लिटल बिट ऑफ वाटर इन टू द मिक्स, एंड लेट्स सी वॉट हैपन्स टू द इंक। इंक इज़ लुकिंग वेरी गुड। सो मैं इसको अब अपने साइड पे रख देता हूँ। ये छोटे से ब्लॉचेज़ हैं, ये थोड़ा सा आप और पानी इसमें ऐड इन करेंगे तो ये जो है इंक स्मूथ हो जाएगी। माइंड यू, इंक के अंदर जो है बहुत ध्यान से पानी डालें, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो इंक जो है वो ग्रे अपना हो जाए, मतलब काली की बजाय वो ब्लू हो जाती है ड्राई होने के बाद, कुछ अरसे के बाद। सो लेट्स जस्ट स्मूदन दिस अप। इसके जो ब्लॉचेज हैं उनको आप स्मूद कर दें, और दिस इज़ लुकिंग नाउ प्रेफरेबली एक्सेप्टेबल। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, एंड विल स्टार्ट विद इंकिंग। तो थोड़ी देर जब तक ये मिक्स होती है, तब तक लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट व्हाट हैचिंग इज़। हैचिंग जो है बेसिकली इज़ अ प्रोसेस जिससे आप थोड़ी सी अपनी ड्राइंग्स के अंदर क्या कहते हैं हैशिंग, हैशिंग से आप ना ड्राइंग्स के अंदर अपनी जो है शेडोज़ डिफाइन करते हैं, या अगर आपने टेक्सचरिंग करनी है इट इज़ यूज़फुल फॉर शेडोइंग, क्रिएटिंग शेडोज़, एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग टेक्सचर्स। सो हैशिंग के ऊपर अब हम बात करते हैं। सो हैशिंग इज़ बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स इन अ पैरेलल मैनर, मतलब दे आर ऑल पैरेलल लाइन्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज़ हैशिंग। इट कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी मसलन दिस इज़ हॉरिजॉन्टल हैशिंग, दिस इज़ वर्टिकल हैशिंग, और नॉर्मली हैशिंग जब आप कर रहे होते हैं तो यू मस्ट मेक श्योर दैट योर आर्म इज़ मूविंग, बजाय इसके कि आपकी रिस्ट्स मूव कर रही हों। नॉर्मली जब आप आर्म मूव करते हैं तो उससे लाइंस स्ट्रेट बनती हैं। संजय देखें, इस वक्त मेरा आर्म मूव कर रहा है, जब आप अपनी रिस्ट हिलाते हैं तो आपकी जो हैशिंग लाइंस हैं वो टेढ़ी टेढ़ी बनती हैं। और एट सम पॉइंट्स अपनी रिस्ट हिला के हैशिंग करना जो है इज़ फीजिबल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि आप जो है अपने बाजू को हिला के हिलाए रिस्ट को हिला के हैशिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जब आप अपने बाजू को हिला के हैशिंग कर रहे हैं आपकी हैशिंग लाइन स्ट्रेट हैं, लेकिन अगर मैं अपने रिस्ट को हिला के करता हूँ तो हैशिंग लाइन्स जो हैं ये वाली, इनके अंदर एक स्लाइट सी कर्व आ जाती है, क्योंकि आपकी रिस्ट हिल रही होती है।
तो आपके आर्म हिलना चाहिए, ठीक है। मैं चूँकि अब राइट ही हूँ तो मेरा लेफ़्ट से राइट हैशिंग लाइंस बनाना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू राइट टू लेफ़्ट, ये भी देख लें। तो हर बंदे का कंफर्ट लेवल होता है कि वो किस एंगल पे ज़्यादा स्ट्रेट हैशिंग लाइंस बना सकता है। मसलन ये हैशिंग लाइंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी की ये है। अब इसके साथ ये भी होता है कि आप हैशिंग जब बना कर रहे होते हैं तो आप क्रॉस हैशिंग भी कर सकते हैं। मसलन ये कि मैं अब लेफ़्ट से राइट आ रहा हूँ ऊपर से नीचे, तो दिस इज़ क्रॉस हैशिंग, ठीक है। और क्रॉस हैशिंग वो किसी मैनर में भी हो सकती है। मसलन ये मैं आप जो हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें क्रॉस हैशिंग जो है वो क्रिस क्रॉस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम अप कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप राइट टू लेफ्ट टॉप डाउन भी कर सकते हैं हैशिंग, ठीक है। और ये नॉर्मली टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ याद हों। अब मैं ऊपर से नीचे हैशिंग कर रहा हूँ और उसमें भी मेरे देखें मेरी जो रिस्ट है मतलब मेरा हाथ है वो इस तरह नहीं हिल रहा, मेरा हाथ इस तरह ऊपर नीचे जा रहा है। सो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशिंग है। इसमें ये कि आप इट्स योर प्रेफरेंस। अगर मसलन लेट्स से आप एक आर्च में हैशिंग कर रहे हैं तो आप उस आर्च की जो है पैरेललिटी जो है मसलन के वो बराबरी जो होती है वो रखनी है आपको पड़ेगी, ताकि वो जो है आर्च की हैशिंग आर्च में लगे। और इसमें आपको अपनी रिस्ट थोड़ी सी हिलानी पड़ेगी। अब ये भी कर सकते हैं कि रिस्ट को ना हिलाएं और अपने बाजू को हिला के करें। अब हम अपने बाजू को हिला के कर रहे हैं और रिजल्ट्स आर फेयरली सिमिलर, मे बी रिजल्ट्स माइट डिफर डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की हैशिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी क्रॉस हैशिंग कर सकते हैं इसकी इस तरह से। सो ये हो गई हैशिंग। इसके अलावा आप हैशिंग जो है डॉट्स के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं जो हूँ रैंडम से डॉट्स बना के हैशिंग कर रहा हूँ, और आप इन डॉट्स की मदद से जो है टेक्सचरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी इक्वली डिस्टेंट डॉट्स बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आके डॉट्स की जो डिस्टेंसिंग है उसको कम कर देता हूँ। ज़्यादा डॉट्स कम डिस्टेंस में आ रहे हैं तो इससे जो है आप किसी एक शेप की बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं कि इधर जो है इसको शायद शेडो पड़ रही है ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये अंडे की एग्ज़ाम्पल फिर से लूँ, अगर मैं अंडे को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक एग को रफली, ठीक है, और उसकी जो शेडोइंग थी वो मैं डॉट्स में करूँ तो वो कुछ ऐसे होगी। मेरे पेन के अंदर इंक खत्म हो गया, आई यूज अनदर पेन फॉर डॉट्स, लेट्स यूज दिस पेन।
सो ये जो है एक एग का टेक्सचर बन गया, जिसमें जो है बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स लगे हुए हैं, और उससे जो है आपने डॉट्स यूज़ करके एक टेक्सचर बना लिया। सो दिस इज़ हैशिंग 101। अब तक हमारा मेरे ख्याल से जो है लगता है जो इंक है वो ड्राई अप हो चुकी हुई है। सो लेट्स यूज़ अ वेरी स्मॉल ब्रश और थोड़ा सा हम इस पर इंक लोड करते हैं। लेट्स टेस्ट इट आउट कि क्या उसकी फ्लो है। सो अगर आपने इंक से ब्रश से यूज़ करनी है तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू लिटिल बिट डैब इट ऑन द टिश्यू पेपर और उसके बाद हम चेक करें। सो ब्रशेस से ये होता है कि आप जो है हैशिंग जब करते हैं तो आप हैशिंग की जो स्ट्रोक्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी भी ब्रश के अंदर जो है पानी ज़्यादा है और इंक कम है, तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा ड्राई अप करते हैं, पूरा ड्राई ब्रश लेके फिर उस पर इंक लोड करते हैं, ताकि हमारी जो है इंक थोड़ी सी डार्क है। एंड सीन्स ओके। सो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी हैशिंग की थी पिछले ड्राइंग में, हम इस हैशिंग को भी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इन आर ड्राइंग बाय यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश। इससे छोटे ब्रशेस भी आते हैं, आप उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है जब आपके पास जो हैं ब्रश पेन्स ना हो, थोड़ा सा हैंड इधर स्लिप हो गया। सो देयर यू हैव इट। और थोड़ा सा आप इसको यहाँ से जो वाइट रह गया उसको आप डार्कन कर लें अपने इसी ब्रश पेन से। सो इस तरह आप इंक्स को मिक्स कर सकते हैं। सो ये हो गई आपकी हैशिंग एंड क्रॉस हैशिंग। आप अब इसके बाद जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिफोर वी एंड दिस सेशन मैं एक और आपको हैशिंग स्टाइल बताना चाहता हूँ। दिस इज़ दी रैंडम हैशिंग स्टाइल, जिसमें आप मसलन इस तरह की जो है शेप्स बना के भी हैशिंग कर सकते हैं। और अगर हम लोग मसलन लेट्स से एक और यहाँ पे एग ले लें और एग के अंदर जो है अगर हम लोग इस तरह की हैशिंग करें तो उसका जो है जो इफ़ेक्ट है वो कैसा आएगा वो हम देखते हैं। सर आप इसमें यहाँ पे जो है एक बाउंड्री लाइन सी बना लें कि जनाब आपकी शेडो जो है वो यहाँ पे कास्ट हो रही है और इधर तक जा रही है और इस तरह जो है आपकी शेडो आ रही है, तो आपने इस जगह पर जो है ये स्क्विगली लाइन से जो है शेडोइंग करनी है। तो ये जो है इस तरह करके कुछ आएगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्विगली लाइंस होंगी, वहाँ अंदर जाते जाते वो छोटी हो जाएंगी और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो बहुत ही छोटी होंगी, ताकि वो शेडो ज़्यादा डिफाइन करें।
और अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसकी वो एक फॉर्म सी आ रही है, जहाँ जहाँ पे डार्क्स हैं और जहाँ जहाँ पे लाइट्स हैं। अब आप उसके ऊपर ओवर ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक्स को, इंक्रीज दी अमाउंट ऑफ शेडोइंग। तो ये आपकी एग की जो है टेक्सचर लुक आ गई। एक आपने डॉट्स के साथ किया टेक्सचरिंग, और इधर जो है डॉट्स बड़े हैं, इधर डॉट्स छोटे हैं, और ये आपके दो डिफरेंट एग शेप्स बन गए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय। कट। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल फ्रॉम मार्टून्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स। माय नेम इज़ मुदस्सिर, और इसमें जो है हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द थ्री डिमेंशनैलिटी और द थ्री डिमेंशनल या 3D इमेज और द 3D इमेज और शेप्स कह लें आप, 3D शेप्स। अब हमने 5 बेसिक शेप्स ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी किया, अगर हम लोग उन्हीं 5 बेसिक शेप्स की जो है फर्दर इन्हांसमेंट्स करें तो वी गेट 3 डिमेंशनल शेप्स ऑफ दोज़ बेसिक 5 शेप्स। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और ये जो स्क्वायर है इसकी 4 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसी 4 साइडेड स्क्वायर के साथ मैं एक और स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और इसी लेंथ का या इसी साइज़ का मैं एक और स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि ओवरलैप कर रहा है एग्जिस्टिंग स्क्वायर को। अगर मैं उसके ये वाली एजेस ज्वाइन कर दूँ, ये वाली एजेस ज्वाइन कर दूँ, ये वाली एजेस ज्वाइन कर दूँ और ये अंदर वाली एजेस ज्वाइन कर दूँ तो वी गेट अ क्यूब। अ क्यूब कैन बी इन एनी शेप, इन एनी साइज, इन एनी डिमेंशन। इट कैन बी समथिंग लाइक इन अ स्क्यूड डिमेंशन लाइक दिस वन। और क्यूब की जो है डिमेंशंस का ये होता है कि यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट कि उसका जो है डिमेंशंस की थोड़ी सी अगर 10-12% की कोई मतलब फ़र्क पड़ रहा है इट डजेंट मैटर। लेकिन ये कि इट शुड लुक 3 डिमेंशनल, मतलब कि समथिंग लाइक दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ क्यूब। ठीक है, ये जो है ये क्यूब नहीं है। तो अगर आपकी 3 डिमेंशनल लुक आ रही है लेकिन वो क्यूब ड्रॉ ऐसे हुई हुई है तो दिस इज़ नॉट अ 3 डिमेंशनल लुकिंग क्यूब। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आपकी क्यूब की शेप है वो दोनों साइडों से मैच होनी चाहिए। मसलन ये कि अगर आपका ये वाली क्यूब एक तरफ से ऐसी है तो दूसरी क्यूब भी आपकी जो है, मैं अगर डॉटेड लाइन्स में बनाता हूँ, लेट्स draw them in dotted lines, तो वो ऐसे ही हो, मतलब इतनी ही dimensions में या इतनी ही width में हो। Let's join these points, this point and this point. Let's join this point and this point. So now you have a cube. और ये जो है ये अंदर से होता है तो इसको हम डॉटेड लाइन्स में बना देते हैं। सो दिस इज़ योर क्यूब। इसी तरह सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो है उसकी कोई डिमेंशन नहीं होती। सर्कल या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है या बॉल जो होती है वो बॉल 2 डिमेंशनल प्लेन में भी सर्कल ही लगती है, लेकिन आप उसकी जो है इन्हांस्ड लुक जो है वो ऐसे डिफाइन करते हैं जब आप उसको थोड़ा सा शेड करना शुरू कर देते हैं और उसकी जो है जो शीन है या शाइन है, जो उसकी स्पेक्युलैरिटी है, उसको आप डिफाइन करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ a ball it's not a perfect ball kyunki iske andar jo hai ye jo cross hatching hoti hai wo circular hoti hai ya arc shape mein hoti hai that actually forms to the contours of the ball to meri zara shading thodi si kharab hai
again let's try to reimagine the ball, ठीक है, और ये इसकी शेप है, तो बॉल की शेडिंग जो है वो कुछ ऐसे हो रही होगी, सर्कुलर मैनर में। तो कुछ इस तरह की होगी स्फेरिकल बॉल अगर होगी। अगर आप इसकी फर्दर और वेल डिफाइंड फॉर्म लाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अनदर शेप जो कि बड़ी कॉमन है, और इसमें ये भी है कि यहाँ पे जो है इस जगह पे शेडोज़ एक साइड पे आप शेडोज़ बहुत ज़्यादा टाइट दिखाते हैं, विल यूज़ आर मार्कर एंड कलर इन दिस एरिया। तो ये आपकी एक बॉल हो गई जिस पे जो है एक जगह से शेडोज़ पड़नी है, एक जगह से हाईलाइट्स पड़नी है। तो ये थ्री डिमेंशनल शेप्स होती हैं। अब ये कि एक और जो बड़ी पॉपुलर थ्री डिमेंशनल शेप है दैट इज़ दी सिलेंडर, और सिलेंडर जो है बेसिकली इज़ टू सर्कल्स विद स्ट्रेट रेक्टेंगल और स्ट्रेट टू लाइन्स on one end and another two circles on another end। अगर आप टॉप से इसको देख रहे होंगे तो ये कुछ तस्वीर आपको ऐसे लगेगी, क्योंकि ये स्क्यूड होती है तो इसका जो लुक है वो कुछ ऐसे आएगा। ये दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रॉम द साइड, ऑलमोस्ट फ्रॉम द साइड व्यू। और इसके अलावा मसलन अगर आपने कोन बनानी है, कॉनिकल शेप, जो कॉनिकल फ्लास्क होता है, कुप्पी जिसे कहते हैं, तो वो भी जो है टॉप से कुछ ऐसे लगेगी। और ये इसकी जो है इनर साइड होती है, इनर डेप्थ होती है, विच कैन बी शेडेड अगेन। कुछ कुपियाँ जो हैं वो ज़रा डिफरेंट अंदाज में बनती हैं, दे आर कम्प्लीटली लाइक इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म, और यहाँ से जो है there's an elliptical shape coming out on the edge like this, aur yahan se phir wo straight hui hui hoti hai, chhota sa usme cut aaya hota hai। So you can use this technique to like draw ice cream cones even, or some people like love to eat cornetto and more ice creams, to wo kuch aise hoti hain usme yahan pe yun karke lines mein वेफर्स की जो हैं वो आउटलाइंस बनी हुई होती हैं, वो क्रिस क्रॉस हो रही होती हैं ऐसे करके और ऐसे करके आ रही होती हैं। यहाँ पे नाम चॉकलेट फिलिंग होती है, देयर्स एन आइसक्रीम ऑन टॉप विच इज अगेन, सो वी शेप दिस पोर्शन समथिंग लाइक दिस। So you can have like different ice cream cones, or again अगर ये textured है और इसका यहाँ पे shade आ रहा होगा जो
लाइन में होगा. सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट आइसक्रीम कोन्स और कोन्स इन जनरल. सो दिस इज़ ऑल्सो थ्री डिमेंशनल शेप और आप उसको वेल फॉर्म डिफाइन उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं. अगर आप उसकी जो है आउटलाइंस के ऊपर क्रॉस हैचिंग आर्क शेप में करें तो यू विल गेट समथिंग लाइक एन आइसक्रीम कोन डिज़ाइन. और ऑफकोर्स उसमें जो है थोड़े बहुत उसके जो है ड्रिप्स गिर रहे होते हैं विच एक्चुअली सिग्निफाइड इन नाउ द आइसक्रीम इज मेल्टिंग. अच्छा जी, अब लेट्स ट्राई सम ट्राइंगुलर शेप्स. मसलन के लेट्स से के फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइंगल की कोई 3D शेप निकालेंगे, इफ़ दिस इज़ अ ट्राइंगल, सो द बिगेस्ट थिंग जो मैं आपको कह सकता हूँ, जो एग्जांपल है जो ट्राइंगल की शेप निकलेगी, वो है द ह्यूमन नोज. अगर आप ट्राइंगल को देखें तो ये ह्यूमन नोज जो है ट्राइंगल में से निकलती है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ह्यूमन नोज फ्रॉम द फ्रंट व्यू ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल. सो आई एम जस्ट यूजिंग द आउटलाइंस ऑफ द ट्राइंगल टू फॉर्म द रिजेस ऑफ द नोज. और ये जो है ट्राइंगल है, मसलन इफ यू गो लाइक दिस तो ये ट्राइंगल होता है. एक तरफ उसके जो है आँखों का हिस्सा आता है और शेडो पड़ रही होती है और वो नॉर्मली एक रिज होता है जो एक साइड से नज़र आता है. मर्दों में ख़ास तौर पर ये ज़रा थोड़ा सा वेल डिफाइंड होता है और कुछ मर्दों की मसलन पॉइंटेड नोज़ होती हैं तो ये हिस्सा भी जो है ये वेल डिफाइंड होता है, मतलब यहाँ से जो है शेडोज़ आ रही होती हैं थोड़ी बहुत. और ख़वातीन जो हैं लेडीज़ की नोज़ जो है वो ज़रा थोड़ी सी हम फेमिनिन दिखाते हैं तो वी जस्ट ड्रॉ इट लाइक टू नॉस्ट्रल्स एंड वन नोज. वी डोंट ड्रॉ दिस बिग रिज, वी जस्ट हैव वेरी थिन लाइन टू एम्प्लाय देयर नोज. एंड वी कैन इवन हैव समथिंग लाइक वेरी स्मॉल इंट्रूजन फॉर द नोज. और दिस गिव्स द इम्प्रेशन के जनाब नोज है, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा भी आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती. सो टू सेमी सर्कल्स, वन स्मॉल नोज, वन पार्ट ऑफ द ट्राइंगल एंड अनदर पार्ट. दिस कैन ऑल्सो सिग्निफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नोज. और बच्चों की भी हम जो है नाक इसी तरह ड्रॉ करते हैं. सो ये जो है नाक बनाने का तरीका जो है ये ट्राइंगल्स की मदद से होता है कि आपकी जो नॉस्ट्रल की जो रिज है वो कुछ इस तरह आ रही होती है और दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली शेडेड ऑफ और ये जो है नॉस्ट्रल का नीचे वाला हिस्सा होता है. सो दिस इज़ फेयरली वेरी ईजी वे टू अंडरस्टैंड एनाटमी. एलिप्स पे अब ज़रा आते हैं. थ्री डिमेंशनल एलिप्स में जो चीज़ सबसे वेल नोन है ऑर्गेनिक शेप्स जो हैं दैट इज़ दी आई. और आई का ये होता है कि आई भी जो है इज़ बेसिकली अ थ्री डिमेंशनल शेप. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि अगर मैं एलिप्स बनाता हूँ तो एलिप्स में से मैं एक आँख निकाल सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आँखें जो हैं वो नॉर्मली यहाँ से थोड़ी सी पिंच ऑफ हुई हुई होती हैं, उसके बाद दे गो अप एंड डाउन एंड देन दे ट्विस्ट ऑफ एज अ लैश. ठीक है, और ये नीचे से इतनी वेल डिफाइंड होती हैं कि नीचे से ये राउंडनेस होती है, ये जुड़ी भी नहीं होती और इसके अंदर जो है आपका प्यूपल आया हुआ होता है. ठीक है, एंड देन देयर इज द आयरिस विच इज़ ऑलमोस्ट कलर्ड. एंड थ्री डिमेंशनल लेडी के लिए उसको एक वाइट पोर्शन छोड़ देते हैं. और अगेन ऊपर से आपकी आँखें जो हैं वो शेडेड होती हैं थोड़ी सी, सो यू कैन ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ शेड. और ये वाला हिस्सा सारा जो है दिस इज ऑल ब्लैक एज वेल बट लाइटली ब्लैक. सो दिस इज योर आई. आईज कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. सो कुछ लोगों की बड़ी आँखें होती हैं, कुछ लोगों की छोटी आँखें होती हैं. यू हैव टू स्टडी एंड ऑब्जर्व टू सी के वॉट आईज आर. सो वॉट एल्स थ्री डिमेंशनल इमेजेस कैन हेल्प यू. थ्री डिमेंशनल इमेजेस में आप जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, मसलन लाइक आपके बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, कोई एनिमल के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं.
और थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज़ द रेक्टेंगुलर और यू कैन से क्यूबिक बॉक्स। अब क्यूबिक बॉक्स जो है या स्क्वायर जो है और ये जो बॉक्सेस शेप्स हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप आगे जाके करेक्टर ड्राइंग करेंगे से दिस इज़ योर कैरेक्टर, तो नोटिस कीजिए कि ये एक सर्कल है या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द फेस ऑफ द कैरेक्टर, ये जो है उसका चेस्ट और टॉर्सो एरिया है, ये उसकी हिप्स हैं, और हिप्स के नीचे जो है अगर आप दो सर्कल्स बनाएं और उसमें से दो लाइंस निकाल लें, सो दीज आर दी स्केलेटल शेप्स ऑफ द लेग्स। यू कैन ड्रॉ टू सिलेंडर्स फॉर द लेग्स, वन इज़ दी अपर सिलेंडर द अदर इज़ दी लोअर सिलेंडर, और ये जो है स्टिक फिगर ड्राइंग जो है जिसको बड़ा पॉपुलरली यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न कल्चर, ये उसमें से कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए बहुत आसान है। शोल्डर की ब्लेड्स जो हैं आप शोल्डर आर्म्स जो हैं आप उनको सर्कुलर शेप्स में निकाल के दो सर्कुलर शेप्स निकाल सकते हैं उसमें से, और देन यू कैन क्रिएट दी आर्म्स एज सिलेंडर्स इज़ वेल, सो यू गेट लाइक आर्म्स। सिलेंडर्स और ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने लेट से कोई ह्यूमन फिंगर बनानी है तो आप जो है उसको बनाने के लिए भी सिलेंड्रिकल शेप्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द अपर डिजिट ऑफ द फिंगर, दिस इज़ फेयरली डिफाइनिंग के आपकी ये फिंगर है, दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन, यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक कट आउट ऑफ योर नेल, ये आपकी अपर डिजिट हो गई, दिस इज़ योर लोअर डिजिट, और इट कैन मतलब हैव वेरी यूजफुल थिंग्स, मतलब आप अपने जो हैं थ्री डिमेंशनल बेसिक शेप्स की जो है फॉर्म से बड़ी कम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने जो है किसी बंदे की अपर लेग बनानी है तो आप जो हैं बड़ी आसानी से उस बंदे की अपर लेग और लोअर लेग बना सकते हैं। नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आर्टिस्ट्स को ये टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को भी ख़ास तौर पे, कि जब आप कोई स्पेस छोड़ देते हैं तो जो व्यूअर है जो बंदा देख रहा है आपकी ड्राइंग को उसको ये होना ज़रूरी चाहिए कि वो जो है आपकी ड्राइंग के अंदर जो मिसिंग पार्ट है उसको मेंटली फिल इन कर सके। तो ये कि अभी देखते हुए आपको ये लग रहा है कि ये पार्ट मिसिंग है, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लाइट पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा शाइन हो, मसलन लेट्स से कि यहाँ से जो है एक लाइट बल्ब सोर्स है, ठीक है, और वो जो है लाइट शाइन कर रहा है, इट्स इन अ लैम्प सम सॉर्ट, ठीक है, एंड इट्स शाइनिंग द लाइट, सो इस जगह पे पॉसिबिलिटी है कि रिफ्लेक्शन आ रही हो घुटने पे और उसकी वजह से आपकी जो है लाइट शाइन कर रही है। अगर आप इसी ड्राइंग को फर्दर इंक करें अपने ब्रशेस को लेके तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली जो हैं अगर लाइट इधर से पड़ रही है तो इस जगह पे ये जो लाइन होगी ये मोटी होगी, तो आप एक बड़ा मोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या आप यही ब्रश यूज़ कर सकते हैं, इसको में आप इंक फिर से लोड कर लीजिए और इस बार जब आप स्ट्रोक डालें लोअर थाई का तो आप उसको
मोटा कर दें। इसी तरह जब आप लोअर लेग का, सॉरी ये तो लोअर लेग थी, अब मैं लोअर थाई को पेंट करने लगाऊँ, मतलब इंक करने लगाऊँ, इसमें ये जब मैं इसको इंक को अप्लाई करूँगा तो मैं थोड़ी सी एज और दे के इसको फर्दर मोटा कर सकता हूँ। सो ये जो है इम्प्रेशन देता है कि आपकी जो है ना नीचे से शेडो पड़ रही है टांग पे और लोअर लेग पे, और अपर लेग पे इतनी ज़्यादा शेडो नहीं पड़ रही, बल्कि सिर्फ इस एरिया में शेडो पड़ रही है जो जहाँ से लाइट नीचे आ रही है, मतलब लाइट अगर इधर पड़ रही है तो इधर नहीं शेडो पड़ रही, इधर से वो हाईलाइटेड है, ये भी जगह जो है लिट है, ये जगह इन शेडो है। इसको आप फर्दर भी इन शेडो डाल सकते हैं अगर आप लेट से कि इसको थोड़ी सी यहाँ से इंक्रीज़ कर दें इसकी टिप को, ठीक है। तो ये आपकी जो है लेग इन शेडो है, ये वाला हिस्सा भी इन शेडो है, इसको आप फर्दर शेडो में भी डाल सकते हैं। लेट से कि मैं अगर यहाँ से इसको और शेडो में डालना चाहूँ, सो ये जो है आपकी थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में इम्प्रेशन देने का करता है। अब अगर आप इस लेग के एक इस हिस्से को और इस हिस्से को ज़रा थोड़ी देर गौर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ से आपकी थाई मोटी है, यहाँ से आपकी लेग पतली है, और पतली होने का मतलब ये है कि आपकी जो है इन शेडो एंड इन लाइट प्ले अराउंड हो रहा है, और उस प्ले अराउंड की वजह से जो है जो ओवरऑल लुक है ड्राइंग की वो और बेहतर हो रही है। आप इसकी जो जो आउटलाइंस हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, मसलन लाइक एजेस को ज़रा स्ट्रेंथन कर लें, तो ये जो है वैसे लग रहा है कि किसी बंदे की मस्कुलर लेग है, मस्कुलर थाई है, मस्कुलर लेग है लोअर की, और फिर यहाँ पे जो है कंटिन्यू करते हैं आप तो आपकी एड़ी आ जाती है, थोड़ी सी बेंड में होती है, और उसके बाद यहाँ से आपका फुट आता है, जस्ट समथिंग लाइक दिस। सो थोड़ा सा अभी जो है फॉर श्योर, मतलब जो है स्केलिंग में मुझे लग रहा है कि पैर थोड़ा सा बड़ा है कंपेरेटिवली, लेकिन ये कि जब आप इसको थोड़ा सा फर्दर शेड इन करेंगे तो शायद ये बेहतर हो जाए। सो ये कि इस तरह से आप जो हैं अपनी मतलब जो कैरेक्टर की जो ड्राइंग्स हैं उसमें थ्री डिमेंशनैलिटी ले आते हैं या ऑर्गेनिक लुक ले आते हैं जब आप एक से दो बेसिक शेप्स जो हैं उनको कंबाइन करते हैं। मसलन ये जो है एक सिलेंडर है और ये एक और सिलेंडर है और ये एक और सिलेंडर है, तो तीन सिलेंडर्स के बनाने से आपका जो है आपकी टांग निकल आती है। इसमें एक और आप सिलेंडर बना लें फुट की डिमेंशंस के लिए, और ये मेरे ख्याल से अगर आप इसको यू टर्न इट एज अ ट्राइंगल तो ये आपकी फुट की डिमेंशंस आ जाती हैं। इधर से आपका जो है फुट निकलता है प्रोबेबली इधर से ऐसे, और यहाँ से ऐसे होता है, फिर यहाँ से ऐसे थाई आती है। सो ये कि मतलब इन अ नट शेल यू गेट के इधर थोड़ी सी ड्राइंग आउट ऑफ हुआ है मैं, लेट्स डू इट अगेन। वन सिलेंडर, टू सिलेंडर, थ्री सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर, नॉट थर्ड सिलेंडर बल थर्ड ट्राइंगल, थर्ड इज़ अ ट्राइंगल। सो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, और आपकी जो है एक लेग की मैकेनिकल लुक आ गई। इसी तरह अगर आपकी फिंगर्स हैं तो अगर आपकी एक फिंगर का आप पूरा लें तो दिस इज़ वन सिलेंडर, दिस इज़ द सेकेंड सिलेंडर, एंड दिस इज़ द अपर डिजिट। सो ये आपकी उंगलियों का एक एक फिंगर का आ गया। नॉर्मली ये मेरे ख्याल से मैं आपकी शायद मिडिल फिंगर हो सकती है। सेम इज़ द केस कि आप इसी तरह मल्टीपल फिंगर्स अपने हैंड की बना सकते हैं। मसलन आपके हैंड के चार डिजिट्स हैं, ये एक कर्व में आते हैं, तो ये आपकी पहली फिंगर हुई, आप फिंगर की लाइंस निकाल लें, बेहतर होता है।
ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है, ये आपकी चीची है, या जिसको आप पिंकी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो ऐड दिस अप, ये दिस कम्स टू वन फिंगर, दिस कम्स टू द मिडिल फिंगर जो कि आमतौर पर ज़रा सारी उंगलियों से बड़ी होती है, दिस इज़ योर रिंग फिंगर एंड दिस इज़ योर पिंकी। सो ये आपके फिंगर्स हैंड की बन गई इससे, एंड यू कैन देन इवन ऐड नेल्स टू द फिंगर्स एंड गिव इट सम रियलिस्टिक लुक। ऑल्सो अगर आप ये सारा कुछ पेंसिल से बनाएं तो यू कैन जस्ट रीडिफाइन द ओवरऑल शेप और उसको जो है आप फिर फर्दर इंक कर दें। लेट्स ट्राइड। एंड लुक्स लाइक विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर एंड वेरी सॉरी उस वक्त मेरे ख्याल से लाइट चली गई थी, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। हमने एक फिंगर की शेप बना ली जल्दी से और उसके बाद जो है हम इसके साथ एक फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर, मिडिल फिंगर मतलब सॉरी पिंकी जिसे कहते हैं बना ली, और देन यू कैन ऐड द नेल्स। सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बेसिक टू डिमेंशनल शेप्स। थैंक यू वेरी मच and see you in the next tutorial. Allah Hafiz.